अब मैं चंद नारे लगाऊंगा जिनका कौमी नारे आपने भरपूर जवाब देना है। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा इंशाल्लाह। आप एक मुनज़्ज़म तरीके से जाएंगे वजीर आला बने। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। ये जरा अपनी कश्मीरी भाइयों के साथ एक आवाज एक जुबान है और जिस तरह पूरे जोश आज का पैगाम पाकिस्तान की तरफ से बल्कि पूरी दुनिया में जितने लोग हैं जो कश्मीर से जो पाकिस्तान से मुंसलिक हैं आज उन्होंने बल्कि इस पूरे एहतजाज के हवाले से इस बात को बड़े हकीकी मानों में जाहिर किया है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जब वतन अजीज की बात आती है जब कश्मीर की बात आती है तो इस कौम के अंदर एक यकजहती का पैगाम एक मुजाहरा और एक इस तरह का वलवलानाज तरीका अपनाया जाता है कि जो इसकी मिसाल किसी भी हवाले से नहीं मिलती। यकीनी तौर पे हमारी कौमें हैं यहाँ हर किस्म का यहाँ हर किस्म के लोग अपने मामलात अपने सियासी मामलात के लिए अपनी आवाज बुलंद करते हैं और शायद दुनिया में एक तासुर जाता है कि पाकिस्तानी कौम के अंदर चीजों पे और मामलात में इत्तेफाक नहीं और ये बार हमारे दुश्मनों की एक बड़ी भूल रही है कि जो कई दहाइयों से ये कोशिश में रहे हैं कि पाकिस्तानियों में इत्तेफाक खत्म किया जाए पाकिस्तानियों में फूट डाली जाए ताकि वो पाकिस्तान और कश्मीर के मामले में तितर बितर नजर आए लेकिन हमारे दुश्मन इस बात को भूल गए कि इस कौम में एक ऐसा जज्बा है कि जब पाकिस्तान की बात आती है और जब कश्मीर की बात आएगी आप इस कौम में एक इत्तेफाक देखेंगे और एक यकजहती देखेंगे और ये मुजाहरा जो चंद कुछ माह से चल रहा है इस बात की तस्दीक करता है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ी रही है और इंशाअल्लाह हमेशा खड़ी रहेगी। हर लिहाज से खड़ी है, हर लिहाज से कुर्बानी के लिए खड़ी है चाहे वो हमारे यहाँ किसी भी पैमाने पे हो बैरूनी हवाले से हो। आज पाकिस्तान पाकिस्तानियों ने कश्मीरियों ने दुनिया में इस जिम्मेदारी को जिस ऐसन अंदाज से पूरा कर रहे हैं इसकी मिसाल माजी में किसी भी हवाले से नहीं मिलती और इंशाल्लाह ताला इस पूरे कैंपेन ने आज मोदी सरकार आरआरएस और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों को एक चीज बड़ी आसानी से वाजे कर दिया है और वो ये है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा अलमबदार बनता है जमहूरी सियासी नजरियात को सामने रखते हुए दुनिया को हमेशा अमन का पैगाम देना चाहता है जो दुनिया को ये बावर कराना चाहता है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ी अक्सरियत जमहूरियत में रखती है लेकिन आज एक बात बहुत वाजे हो गई है कि इस जमहूरियत का डोस हमेशा की तरह सिर्फ लफाजी है। हकीकत में जिन जिन लोगों के हकूक उस मुल्क में है वो सब पामाल हुए हैं चाहे वो किसी भी कौमियत से ताल्लुक रखते हो। यहाँ तक कि मैं कहूंगा कि भारत के अंदर जितने हिंदू दोस्त भाई भी हमारे हैं वो भी इस आरएसएस के इस तरीके से बहुत दूर हैं और इससे अपने को किनारा कश रखते हैं लेकिन आज मोदी सरकार और उनकी बीजेपी पार्टी ने जिस तरह का एक कब्जा किया है भारत पे अपनी सियासी हवाले से वो ये बावर कराना चाहती है कि भारत के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानी और सियासत अगर होगी इन चंद लुटेरों की और दहशतगर्दों की होगी। तो आज आवाज भारत से भी निकल रही है,
आज कश्मीर से भी निकल रही है और इंशाल्लाह ये अभी आवाज भारत के कोने कोने से निकलेगी और उनके खिलाफ भी निकलेगी। हमने हमेशा दुनिया को ये बावर कराया है कि पाकिस्तान ने कभी गैर जानबदारी का मौके सामने नहीं रखा बल्कि हक की आवाज रखी और हक की आवाज आज गवाही बन के पूरी दुनिया के सामने है और अब ये गवाही भारत के अंदर से निकलेगी और ये सिलसिला जो शुरू हुआ है अब इंशाल्लाह कश्मीर को कोई भी तरीके से न तो उसकी खुद मुख्तारी के हवाले से और न ही पाकिस्तान के हवाले से दूर कर सकता है। मैं आप सब दोस्तों का बड़ा मशहूर हूँ, मैं पाकिस्तानी कौम सब के हवाले से, हम दोस्त सारे जो यहाँ मौजूद हैं, हम हर लिहाज से अपने कश्मीरी भाइयों के लिए जो पैगाम देना चाहते हैं इस बच्चे की जुबानी आज हमने सुनी। आज इस कौम में बच्चा बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, ख्वातीन, दोस्त, हर किस्म का इंसान एक ही पैगाम देता है कि वो हर लिहाज से, हर मोड़ पे, हर हवाले से अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा रहेगा, चाहे हम जिस हवाले से भी हमें जाना हो। ये हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आज बलूचिस्तान के लोगों ने बलूचिस्तान के कोने कोने से, और खासकर मैं शुरू का इस रैली में जितने भी लोग आज आए हैं सबका फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम सब के लिए जिम्मेदारी हर लिहाज से बड़ी जरूरी है कि इस कठिन मौके पे, इन मुश्किलात में हम अपने कश्मीरी भाइयों को हर किस ना हम भूले हैं और इंशाल्लाह हमारा पैगाम है कि बलूचिस्तान इंशाल्लाह इस हवाले से हमेशा आगे आगे रहेगा और इस पैगाम को हर लिहाज से आगे की तरफ बढ़ाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद।